हेलो राहुल जी, मैं आपसे हेलो मैम। कैसे हैं? आप अपने यहाँ पे जैसे नोज की जो सर्जरी करवाई है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब आपको पहले क्या प्रॉब्लम थी, फिर अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं इस हॉस्पिटल में आया था उससे पहले मेरा नाक बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, जिसका असर मेरे ना सांस पे बहुत ज्यादा पड़ रहा था। उस वजह से मेरी एक साइड से जो नाक से सांस आ रही थी, पर दूसरा नाक पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और ऊपर से मैं खेलता था तो मेरे चेहरे का जैसे लुक है वो भी बिगड़ रहा था, तो उससे मेरी आँख इस तरफ की जो आँख थी उस पर ज़्यादा असर आ रहा था। फिर जब मैं इस हॉस्पिटल में आया, जब मुझे मेरी दो सर्जरी की गई, राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी, तो उसके बाद मेरा ये हो गया कि मेरी जो नाक थी एकदम तिरछी तिरछी से एकदम सीधी हो गई। और उसके बाद मुझे सांस लेने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, अब मुझे आराम से सांस आती है और कोई परेशानी नहीं होती है, और एकदम सीधा नाक हो चुका है। ओके सर, देन सर आप इनके फादर हैं, नहीं। मामा जी हैं? अच्छा, तो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब आपको कैसा लगा ऑपरेशन के बाद? आपको कैसा लगा कि भी क्या कैसे हुआ है ऑपरेशन? बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, और सबसे बड़ी बात है इसको जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है सबका। अच्छा ओके सर, तो मैं आपसे ये बता पूछना चाहूंगी कि आप डॉक्टर सुनील तन्वर जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और हॉस्पिटल के लिए भी आप क्या बताना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, बहुत बेस्ट सर्जन है राइनोप्लास्टी जी के, बहुत ही अच्छे हैं वहाँ के, जो कहते हैं ईश्वर का दूसरा रूप है वो सच है। बहुत ओके, तो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे आप? ही अच्छा व्यवहार था, बहुत ही मैनेजमेंट अच्छा था उनका हॉस्पिटल में। ओके, थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। सर मैं अपन डॉक्टर सुनील तन्वर जी से पूछते हैं कि वो हॉस्पिटल के मतलब ऑपरेशन के रिगार्डिंग ऑपरेशन क्या है, और इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो राहुल हैं इनको नोज की जो प्रॉब्लम थी, सो जो इनको एक नोज की जो प्रॉब्लम थी वो डेविएटेड नोज, और जिसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में क्रूकड नोज डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जो एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें नोज का इनर फ्रेमवर्क पूरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिससे जो नोज का लुक जो है, बाह्य लुक है वो भी विकृत हो जाता है, और पेशेंट को फंक्शनली ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आप देखें तो इनका जो नोज का जो है, ये जो बोन है ये बिल्कुल इसका यहाँ पे आ रखा था, जिससे एक तरफ का इनका नोस्ट्रिल बिल्कुल बंद था, ये नोज का एक्सिस पूरा का पूरा डेविएटेड हो रखा था। तो जो बच्चा है इसको जो है पूरा का पूरा चेहरे का जो है लुक है, क्योंकि डेविएशन के कारण अच्छा फील नहीं कर रहा था, एंड इस डेविएशन के कारण इनका नोज ब्लॉक था। सो इसमें क्या है कि जो ऐसा कॉम्प्लेक्स नोज डिफॉर्मिटी होती है उसमें सेप्टो और राइनोप्लास्टी प्रोसीजर बेसिकली की जाती है। जब भी मेरे पास आए इज वेरी वरीड अबाउट दैट, कि क्योंकि जब पेशेंट सर्जरी नहीं कराता ऑब्वियसली बहुत सारी मन में शंकाएं होती हैं कि क्या पता सही होगा भी नहीं होगा, बिकॉज यूजुअली ये जो सर्जरी प्रिविलेज नहीं होती इसलिए पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट आई एक्सप्लेन वेरी वेल टू द पेशेंट एंड उन्होंने मेरे को हेल्प किया कि ठीक है आप सर्जरी कीजिए, हमने सेप्टोराइनोप्लास्टी जो सर्जरी की है, नोज का जो अंदर का जो फ्रेमवर्क है उसको पूरा इसमें रीसेट करना होता है। तो इसमें क्या है कि जो राइनोप्लास्टी की सर्जरी में इतनी बारीकियां हैं, क्योंकि नोज एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी जो हर चीज को जो है एक सिस्टमेटिक और टेक्निकली करके और नोज को स्ट्रेट किया जाता है, जिससे जो प्राइमरी मकसद होता है सर्जरी करने का, पेशेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग ब्लॉकेज फ्री नोज उसको मिले, एंड लाइफ में आगे उसका नोज ब्लॉक नहीं हो, एंड सेकंड जो उसकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है वो भी करेक्ट हो, जो नोज का अपना फॉर्म एंड जो उसका फंक्शन है वो दोनों चीजें नोज को अपन दे सकते हैं। एंड दिस इज माई मैसेज इन योर सोसाइटी, कि जो है लोग बहुत बार इस कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी के कारण दे ट्राई टू हाइड, यानी वो जो है बाहर निकलने से डरते हैं, और वो जो है बहुत बार क्या है कि मानसिक तनाव की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये मैसेज है कि अगर किसी को नोज की जो डिफॉर्मिटी है, यानी आपका नोज अपने चेहरे के बैलेंस के हिसाब से नहीं लग रहा, सो आप राइनोप्लास्टी सर्जरी से उसको करेक्ट करा सकते हैं। आप जो भी आपके नियर बाई में जो अच्छा सर्जन का एक चुनाव करके उसको नेट पे पता लगा के उसका एक्रीडेशन पता लगा के, क्योंकि राइनोप्लास्टी में एक सर्जन के लिए जितना पेशेंट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है उतना ही एक पेशेंट के लिए राइनोप्लास्टी सर्जन का चयन भी इम्पोर्टेंट होता है, कि वो जो आपकी डिफॉर्मिटी है उसके बारे में हर चीज़ को समझ सके। नहीं तो बहुत बार अगर सर्जन को उसका जो है नॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाता तो हो सकता है जो है पेशेंट को और डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए। सो
आई जस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ द राहुल और इनके मामा जी एंड इनकी मदर की जो है उन्होंने जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल और नक्स राइनोप्लास्टी पे फेयर किया एंड हम उनको जो है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सके. थैंक यू.